नमस्कार बियॉन्ड बिलीफ्स के मेरे क्रांतिकारी और विद्रोही हम ख्यालो, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बिलीफ्स में। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट उत्पल याग्निक। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था मेरे इंट्रो में कि ये चैनल सिर्फ एथिज्म और रेशनलिज्म को ही समर्पित नहीं होगा, इस चैनल पे आपको रूबरू करवाया जाएगा कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने लीक से हटके, समाज से हटके कुछ नया किया है, समाज को कुछ नया देने की कोशिश की है, सोसाइटी में कुछ अपना अनूठा प्रदान किया है। ऐसे ही शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं आज। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा यंगस्टर होगा जिसने सोचा नहीं होगा कि तेज बाइक चलानी है, बाइक को पहाड़ों पे ले जाना है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे बाइक को चला के उसका एक थ्रिल, एक आनंद लेना है। पर बहुत कम लोग होते हैं जो सच में ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि सपने देखना एक बात है और सपनों को साकार करना वो बिल्कुल ही अलग बात है। पर किसी ने ऐसा सोचा है कभी कि बाइक लेके अहमदाबाद से लंदन की ट्रिप की जाए? सोचने में थोड़ा अजीब सा लगता है, हंसी भी आती होगी। हो ही नहीं सकता कि अहमदाबाद से लंदन, और वो भी बाइक पे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना। पर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं जिसने ये सोचा भी नहीं, साकार करके भी दिखाया। तो मिलिए आज हमारे दोस्त प्रकाश पटेल जी से, जिन्होंने लंदन अहमदाबाद से लंदन तक की ट्रिप बाइक पे की है, और बहुत बड़ा आश्चर्य पूरी दुनिया में उन्होंने जन्माया था। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर प्रकाश जी का हम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बिलीफ्स में। थैंक यू। हाँ सर, तो आप पहले अपना परिचय दीजिए प्लीज। बस मायसेल्फ प्रकाश पटेल, और मैं बेसिकली एक राइडर से जाना जाता हूँ। वैसे तो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, और 1991 से इलेक्ट्रिकल के फील्ड में जुड़ा हुआ, और 2010 से बाइकिंग में थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव हुआ हूँ। इसके अलावा आप लायंस क्लब से भी जुड़े रहे और उसके भी प्रेसिडेंट रहे, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए प्लीज। या 2019 में मैं लायंस क्लब ऑफ अहमदाबाद कर्णावती, जो विश्व की सबसे बड़ी क्लब है, उसका प्रेसिडेंट बना। और सौभाग्य से और दोस्तों की जैसे सपोर्ट से बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात का अवार्ड भी मैंने प्राप्त किया था। वाह, यानी आप सिर्फ बाइकिंग ही नहीं करते, बाइकर के साथ साथ आप सोशल वर्क भी करते हैं। लायंस क्लब के थ्रू आप गुजरात में लोगों की सेवा भी करते हैं, अपनी कम्युनिटी में अपना प्रदान भी करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता सर? बचपन मेरा आंबावाड़ी विक्रम फ्लैट से बीता हुआ है। और बचपन की बात बताऊं तो, जब हम यहाँ रहने आए 1978 में, तो हमारे पास साइकिल तक नहीं थी, और बहुत ही जैसे स्ट्रगल वाली लाइफ थी मेरे पिताजी की। हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 12 साल का था तब यहाँ पे आया था, और धीरे धीरे बस वक्त के साथ चलते रहे, जितना भी हो सके इतना किया, और आज जो भी किया आपके सामने है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ बीता। yes. आपने जिंदगी में बहुत धूप छांव भी देखी है और स्ट्रगल भी बहुत की है, पर आपकी मेहनत की बदौलत आप एक एंटरप्रेन्योर है, आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, साथ में एक महंगा शौक, और आज तो पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ गए हैं कि ये शौक तो बहुत ही महंगा हो गया है। तो महंगा शौक भी आप एफोर्ड कर पाते हैं, उतने मुकाम तक आप पहुंचे, तो सच में आप धन्यवाद के पात्र है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो बचपन था वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बीता, तो सबसे पहले आपको बाइक परचेज करने का ख्याल कैसे आया,
और वो तो आपने जब उसके लिए क्या जुगाड़ किया? वैसे तो फर्स्ट बाइक तो मैं कॉलेज में था, तो मेरा एक ऐसा ड्रीम था कि मैं कॉलेज में बाइक लेके जाऊंगा। और मेरा मेरा जैसे थर्ड ईयर का एग्जाम भी खत्म हुआ, तब तक मैं बाइक नहीं ले पा रहा था। पर उसका जब रिजल्ट था, उसके 3 दिन पहले मैंने पिताजी से बहुत रिक्वेस्ट किया, पिताजी ये मेरा ड्रीम है कि मैं बाइक लेके मेरे को कॉलेज में एंटर होना है। और 1989 में मुझे याद है कि मैं सिर्फ रिजल्ट लेने के लिए होंडा CD100 बाइक लेके मैं मेरी कॉलेज में गया था। सो मेरे लिए वो वक्त है, वो इतना प्राउड फील करता है, यानी मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वक्त तो उस टाइम फूल और कांटे आई थी, और अजय देवगन की वो बाइक में यस एंट्री। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही टाइम पे, वही टाइम पे, वही टाइम पे, हाँ तो एग्जैक्टली एक्चुअली उस टाइम पे तो हर कॉलेजियन के दिमाग में यही था कि मुझे बाइक लेनी है और कॉलेज में शान से बाइक पे जाना है और जबरदस्त एंट्री करनी है कॉलेज के अंदर। खैर आपका वो सपना पूरा हुआ। तो फिर आपने अपनी पहली राइड 2010 में 700 KM की थी, आबू तक की, अहमदाबाद से आबू। तो उसकी प्रेरणा मैं आपको कहां से मिली? प्रेरणा में ऐसा है कि जो अपने ये जो पहली बाइक ली वो CD100 ली, उस पर मैंने कोई ज्यादा राइड नहीं की थी। मैं छोटा मोटा, और फिर मैंने नौकरियां की 3-4, और फिर मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मैं CD100 यूज करता था। लेकिन ऐसी मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरे पास रॉयल एनफील्ड का बुलेट जो होता है वो मेरे पास होना चाहिए। पर अच्छा मुझे याद है 2006 की बात है, जब मैं एक दोस्त को बाइक चाहिए थी और मेरे दूसरे दोस्त को बेचनी थी। तो मैंने जब उसको दिलवाया, तो मैंने उसको एक कंडीशन के साथ दिलवाया था, मतलब भाई तू जब भी ये बाइक बेचेगा तो ये मुझे देगा, और मैं तेरे को इतनी कीमत दूंगा, 1 पैसा इससे कम नहीं दूंगा। अच्छा और ऐसा ही हुआ। 2009 में जब उसने वो बाइक बेचने को निकाली, तो मेरे को फोन किया उसने कि भाई ये बाइक बेचने की है। मैला डन, बोले कीमत, मैला मैं तेरे को वादा किया था जितना अमाउंट तूने दिया उतना अमाउंट मैं तेरे को वापस दूंगा। और वो बाइक मैंने ली, और वही बाइक लेके मैं आबू गया था। और मेरी एक क्लब अच्छा है, गन राइडर मोटरसाइकिल क्लब, और उसमें जस्ट मैं नया नया जुड़ा था, और उन लोगों ने आबू का प्लान किया था। तो फर्स्ट राइड मेरी जैसे क्लब के राइडर्स के साथ, हम लोग 8 राइडर गए थे आबू, और ये आबू की राइड किया था मैंने। अच्छा। तो एक्चुअली आपको ये गन राइडर्स राइडिंग क्लब में ज्वाइन होने के बाद ये सब राइड करने की प्रेरणा मिली, वहां से आपको एनकरेजमेंट मिली? नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रेरणा तो जब मैं छोटा था मुझे याद है, आई वॉज इन अराउंड 6th और 7th स्टैंडर्ड, और हमारी उस टाइम पे भी आबू की ट्रिप थी स्कूल से। और मैं जैसे बस में बैठा था, और मेरे बाजू में से कोई बाइकर निकला था, तो उसी टाइम पे जैसे उसके बाजू में 2 बैग लटके हुए थे, जैकेट वैकेट और हेलमेट लगा के, तो वही टाइम ड्रीम कर रहा था कि कभी भगवान ने चाहा तो मैं भी ऐसे बाइक लेके निकलूंगा। तो ये तो क्या 12-13 साल बात से ही कुछ अंदर ऐसा जज्बा था कि कुछ करना है बस, पर है। वक्त अरे वाह, ने साथ दिया जरूर, देर से आए मगर दोस्त सही है सही। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि एक आए। छोटा सा वाकया, सिर्फ एक झलक यस आपके यस कोई अननोन इंट्यूशन को ट्रिगर कर देती है, फिर वो एग्जैक्टली आपका पैशन बन जाता है, आपका जुनून बन जाता है, और उसे आप अचीव करने के लिए लगे लगे लग पड़ते हो। जैसे हुआ था यस ना अब्दुल कलाम साहब ने सिर्फ वो पेपर के अंदर सिर्फ रॉकेट का एक फोटो देखा था और उनका पैशन ट्रिगर हो गया था कि मुझे बस यस ये ऐसा रॉकेट बनाना है। तो कौन क्या बात से टाइम पे कौन सा आपका इमोशन ट्रिगर हो जाए, आपका पैशन ट्रिगर हो जाए, वो किस्मत की बात है। तो यस आपने जो पहली राइड आबू की, उसके बाद आपने काफी राइड्स की, इसमें सिक्किम, भूटान, कन्याकुमारी, रामेश्वर, ऐसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी राइड की, और जैसलमेर जैसा रण भी आपने पार किया। तो आप ये सब अपने जो डेस्टिनेशन है उसका चुनाव कैसे करते हैं, अपने लक्ष्य कैसे चुनते हैं, और उसके लिए प्रिपरेशन क्या करते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ले, जरूरी है। हाँ हाँ सबसे पहले अपने लक्ष्य की बात करें, तो उसमें ऐसा है जी कि जब भी जो मूड आता है वो हिसाब से करते हैं, ऐसा कोई ज्यादा लंबा सोचते नहीं है। 2-3 महीने अच्छा पहले सोचा भाई चलो कुछ करना है, तो एक एक करके, जैसे वैसे भी मेरी एक ये चीज बहुत फेवरेट अच्छा है। तो मैं छोटा था तब से मुझे बहुत ही अच्छा लगता था,
और मेरे को ऐसा है कि इसके हर जगह पे मेरी बाइक होनी चाहिए। तो वाह, पहले तो इंडिया को ही लेना चाहिए, तो इंडिया में मैंने हर चीज एक 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 करके सिलेक्ट किया। दोस्तों ने भी कभी कभी सजेस्ट किया, बैठ के तय किया और निकल पड़े। तैयारी में तो ये मेन चीज है कि हम कभी भी विदाउट विदाउट गियर्स हम लोग कभी राइड नहीं करते, इवन साथ में करने भी नहीं देते। वेरी डिसिप्लिन राइड करते, कोई नॉट इवन कभी ड्रिंक करके भी कोई बाइक पे बैठा तो हम उसको ग्रुप में भी नहीं रखते। ये सब हमारा ग्रुप का वाह पहले से क्राइटेरिया रहा है। बिल्कुल, तो और सब गियर्स हमारे पास अच्छे ही और बेस्ट क्वालिटी के ही हम यूज करते हैं। तो कभी भी जैसे एक्सीडेंट बहुत बार गिरे पर भगवान की जैसे बहुत अच्छी तरह से उठे और बहुत कम एक्सीडेंट्स हुए। और दोस्तों के ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक्सपीरियंस है कि जिसमें ये गियर्स ने हमको बचाया हुआ है। तो हम कोई भी राइडर हमारी कम्युनिटी में नया आता है उसको हम सबसे पहले सजेस्ट यही करते कि तू अच्छी से अच्छी गियर्स बसा, सही है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। यस सेफ्टी फर्स्ट, और वो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब आप अननोन जगह पे बाइक लेके ऐसे रास्तों पे जाते हो जहां पे जनरली कोई जाता नहीं है, तो वहां पे आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रिपरेशन ही ज्यादातर आपका काम बहुत हद यस तक आसान कर देती है। यस तो आपने 2018 में जब ये लंदन तक, अहमदाबाद से लंदन तक तकरीबन 22,600 किलोमीटर की यात्रा की, और वो भी 63 डेज तक, यानी 2 महीने से यस भी ज्यादा, तो आपको ये इतना बड़ा एडवेंचर करने का ख्याल कहाँ से आया? किसी ने आपको बोला नहीं कि ये क्या पागल जैसी बात कर रहा है? ऐसे तो कभी होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारों ने लोगों ने बोला, क्योंकि एक बुक है ये मेरे पास ही है, मैं आपको दिखाता हूँ, पैडल से पृथ्वी की हाँ परिकरमा, राइट। हाँ जी हाँ जी ये हाँ जी बुक एक्चुअली ये की भी गुजराती में है, मैं अपने हिंदी के दर्शकों के लिए बता दूं कि ये बुक में लिखा है, पैडल से पृथ्वी की परिक्रमा, यानी इसका मतलब ये है कि साइकिल पे कुछ लोगों ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। इसमें आप देख सकते हो जो साइकिलिस्ट है उनके भी फोटोज है, तो ये एक एडवेंचर किया था कुछ लोगों ने, उस पर पूरी बुक है। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। 1926 में 6 जनों के, जिनके पास इवन साइकिल के पैसे नहीं थे, उन लोगों ने बाइसिकल पे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया। तो क्या ये बात वैसे मैं है। ये बुक पढ़ता नहीं, और ये बुक पे आपने देखा होगा महेंद्र देसाई जी ने ये बुक लिखी है। मुझे बुक गिफ्ट की थी महेंद्र भाई पटेल ने, और ओके, मुझे लंदन में वेलकम करने के लिए आए थे महेंद्र भाई जाडेजा। ओ क्या बात है। तो अभी ये आपने जैसे पूछा कि ये कैसे ख्याल आया, तो एक बुक पढ़ के ख्याल आया। और फिर मुझे एक मैसेज मिला कि बड़ौदा से कोई लंदन की ट्रिप कर रहा है, तो हम लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। और वो अहमदाबाद से नहीं थी, ईरान से थी। और बस मेरे दिमाग में था, मतलब यार मैंने एक चीज सोची, जब ये बुक पढ़ी तो मैंने सोचा था एक पैसा भी मैं किसी से लूंगा नहीं, मेरी कुछ प्रॉपर्टी बेच दूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा अपने बलबूते पे जाऊंगा। क्या और बात है सर, आज भी मैंने कोई ऐसा नहीं कहता, इसके अंदर मैंने 1 रुपये के भी स्पॉन्सरशिप ली है। बहुत सारी ऑफर्स आई मेरे को, लेकिन मैंने उनको थैंक यू बोला है। क्या बात है और सर, जबरदस्त। 2016 में जब मेरा एक आर्टिकल आया पेपर में कि भाई मैं जा रहा हूँ ऐसे ईरान से लंदन जा रहा हूँ, तो मेरा जो बड़ी राइडर है हिरेन काका, जो अभी गंगा परिक्रमा कर रहा है, बहुत बड़ी परिक्रमा कर रहा है, वो भी देखने लायक है, मैं ओहो, बताऊंगा बाद में उसके लिए। हाँ, 6,000 से भी ज्यादा किलोमीटर गंगा की परिक्रमा कर रहा है अभी वो, मेरा बढ़िया 64 ईयर्स ओल्ड। तो वो क्या काका, बात, ये काका ये आर्टिकल पढ़ के मेरी ऑफिस आ गए सीधा। मैं जानता नहीं था उनको, बोले भाई मेरे को तेरे साथ राइड करनी है। मेरा बाइक है, बोले नहीं है, बोले लेकिन जो जो भी आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो। और उन्होंने सच में, मैंने उनको एक टास्क दिया, बाइक ले लो, हेलमेट ले लो, जैकेट ले लो, राइडिंग पैंट ले लो, शूज ले लो, सब ले लिया। और अभी 5,000 किलोमीटर महीने में चला के आ जाओ। तो ये हिरेन भाई पटेल 5,000 किलोमीटर 1 महीने में चला के आ गए। बोले हुई, मेरे को पीपी कह के बुलाया, बोले पीपी अभी आगे क्या करे, मतलब अभी चलते हैं राइड पे लंबी। और हम क्या बात ये लंदन तो नहीं जा पाए, उस टाइम पे कैंसल हुआ हमारा 2016 में, है। पर फिर भी लगातार लगे रहे थे। और फिर 2018 में एक क्लिक हुई कि गुड़गांव से एक ग्रुप जा रहा है, तो उसमें बैकअप व्हीकल, और मेरे को बैकअप व्हीकल की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मेरा जो बाइक मैंने सिलेक्ट किया था वो रॉयल एनफील्ड हिमालयन लिया था, जिसमें टायर ट्यूबलेस नहीं होते। तो
बाहर के देशों में ट्यूबलेस टायर वाले ही सारे व्हीकल्स होते हैं, तो पंचर हाँ बिल्कुल, वेंचर ये सब बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली थी, वो मुझे पहले से पता था। तो मैं बोला मेरे को दो सेट मेरे को आगे पीछे के टायर का साइज अलग अलग होता है तो वो चाहिए, बाकी मेरा पूरा सामान है, बहुत सारा सामान था तो उसके लिए बैकअप व्हीकल चाहिए था मेरे को, और ये ट्रिप में अच्छा। वो था। तो मेरा, मैं आपको बताऊं, आपके साथ पहले प्रिपेरेशन की बात करते हैं, तो मैंने प्रिपेरेशन वहां तक की थी सर कि मैं जितना सामान मेरे बाइक के लिए मेरे लिए लेके गया था, इनमें से हार्डली 2 और 3% सामान वापस आया है, बाकी 97% चीज मैंने यूज की है, पूरी चीज। ओहो, क्या बात है। तो रात दिन लगा रहता था कि ये जरूरत पड़ेगी, ये नहीं पड़ेगी, ये इसको इतना कह, क्योंकि जगह भी लिमिटेड होती है और लिमिटेड चीजें ले जानी होती है, लेकिन हमने पूरी चीजें हमारे बाइक के अंदर पूरा, जैसे गियर्स है, जैसे आप बोलते हैं प्रिपेरेशन में, तो हम लोग सिर्फ मेरे और काका का 2 राइडिंग पैंट, 5 टी-शर्ट, 1 कॉटन की पैंट, 1 शॉर्टी, खत्म, कुछ नहीं। बस अच्छा। तो मुझे लगता है आपने इस राइड के लिए प्रिपरेशन काफी पहले से शुरू की होगी। कितना टाइम लगा था आपको ये पूरा वैसे ये प्रिपरेशन मैं करने दो में? बस 2016 से स्टार्ट किया था, 2.5 साल जितना लगा टोटल। ओ 2.5 साल, क्योंकि हाँ आपको बीच में जो भी कंट्रीज आते हैं उनके सारे वीजा अरेंज करना, फिर वो कंट्री को पूरा समझना, उसका पूरा मैप देखना, यानी बहुत कुछ दिमाग खपाऊ काम था ये। अरे भाई मैं बताऊं आपको एक चीज, आप जैसे बता, अलग अलग कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग करेंसी। अब हाँ करेंसी तो एक बार ठीक है, कार्ड है, कुछ भी करेंसी वो हो जाएगी, लेकिन लैंग्वेज कैसे सीखे। तो और ऐसा एक, अभी जब आगे बात करें बताऊं कि एक्सपीरियंस क्या क्या होते हैं, लेकिन हमने एक बहुत अच्छी चीज की थी कि हम लोग एक वसुदेव कुटुंबकम, अपने मोदी जी का एक संदेश है विश्व के लिए, तो हमने वही संदेश को सारी जितनी कंट्री क्रॉस करने की थी वो उनकी लैंग्वेज में हमारे बाइक पे स्टिकर लगा के रखे थे, यानी हमारा मिशन ही अच्छा। है। तो जो भी तो वो हमको इतना फायदेमंद रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक स्टोरी मुझे बीच में याद कराएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ, इससे क्या फायदा अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा मैं करेक्शन कर दूं, वसुधैव या कुटुंबकम मोदी जी का संदेश नहीं, हमारे वेदों का संदेश है, और बहुत अच्छा बहुत बढ़िया संदेश है। मोदी जी ने उसको ओके प्रसारित करने का काम किया, एक्चुअली ओके ये संदेश वेदों का है। अच्छा, हाँ तो आपने जैसे बताया कि आपने प्रिपरेशन में ज्यादातर तो बाइक का सामान ही लिया था और कुछ यस पहनने के लिए कपड़े, तो इसके पहले तो आपने पूरा बाइक को कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, वो सब भी सीखा होगा, यानी पूरा मैकेनिक बन गए होंगे। वो या मैकेनिक। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जब हमने राइड किया तो 22 फरवरी 2018 में एक मैसेज आया मेरे पे, और मुझे पता चला कि ऐसे जा रहे, मैं फोन किया तो सामने जो मनोज भाई थे उनके मोबाइल में भी मेरा नंबर स्टोर था, हम जानते नहीं थे, लेकिन बोलो बोलो, मतलब भाई प्रकाश बोल रहा हूँ अहमदाबाद से और आपका लंदन का ट्रिप है, मिला आई वॉन्ट टू ज्वाइन, तो बोला आप बोलो तो कल सुबह गुड़गांव आ जाता हूँ फ्लाइट करके। तो बोले कोई इंसिडेंसली वो अहमदाबाद आने वाले थे, और अच्छा। 23 तारीख को यही ऑफिस में हम लोग मिले, वेरी सेकेंड डे, और 23 तारीख को शाम को हमने तय कर लिया और 24 अप्रैल को हम निकल गए। तो हमारे पास थे सिर्फ 2 महीना, ओके। less than 2 months में हमने जैसे जितना भी हो सके, क्योंकि एकदम अचानक से मेरे पिताजी से भी मैंने बात किया, मतलब पिताजी ऐसा है मैं जा रहा हूँ लंदन, बोले क्या हुआ एकदम, मतलब हाँ अभी क्लिक हुआ है और हो सकता है, तो बोले क्या करेगा फाइनेंस में, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप खाली परमिशन दो, ग्रीन सिग्नल दो, हम निकल जाएंगे। और उन्होंने, मुझे याद है आज भी, कि 2-2.5 मिनट लगे होंगे, सोचा बोले जा और हम निकल क्या पड़े। बात है। हाँ, ऐसे एडवेंचर तो बगैर परिवार की रजामंदी के, बगैर परिवार के सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकते। तो ये भी आपकी खुशनसीबी रही कि आपका परिवार भी आपके सपोर्ट में खड़ा रहा, क्योंकि ऐसे जब आप एडवेंचर की बात करते हो जिसपे खतरा बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहली अड़चन तो परिवार से ही आती है। वो लोग ही मना कर देते हैं कि ऐसा पागलपन क्यों करना है भाई, क्या लूट रहा है और हमारा। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे आपने बताया प्रिपेरेशन, तो मेरे पिताजी ऑलवेज देखते थे कि हम पहले जो राइड इंडिया में जो राइड किया है मैंने, वो बहुत सारी, जैसे आपने भी सारी मेंशन की, लेकिन उसमें वन ऑफ द बेस्ट राइड आई डन स्पीति राइड 2016 में ही की थी, और वो जबरदस्त, जहां पे रोड रास्ते होते ही नहीं है, बहुत सारे नो ऑक्सीजन जोन होते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन करने से ओहो पहले जो ऑफिस में हम तैयारी जो करते हैं, तो पिताजी वो देखते हैं, बोले ये ऐसा नहीं है कि चले जाते हैं मूड में आए और निकल गए, नहीं, हम उसके पीछे पूरी तैयारी करते और जाते हैं। तो
वी ऑलवेज बिलीव इन वेल प्लान रिस्क। ऐसा नहीं खाली ओके रिस्क ही लेना है, घर पे वापस आना है, सही सलामत आना है। तो उनको बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल रहता है कि ये कहीं भी जाएगा तो अच्छी तरह से वापस भी आने ही वाला है। हाँ, यानी कि कहीं पे भी ब्लाइंड एडवेंचर नहीं करना, एडवेंचर नहीं करना नहीं है नहीं लेकिन होश हाँ संभाल के। हाँ तो मेरे या दर्शक मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छी सलाह दी है प्रकाश भाई ने हमें कि देर इज नो सच अ थिंग लाइक ब्लाइंड एडवेंचर, वो एक्चुअली डिजास्टर है, ब्लाइंड एडवेंचर नहीं है। तो एडवेंचर कीजिए पर पूरे कैलकुलेशन के साथ कीजिए, तो आपको भी उसका थ्रिल इंजॉय करने का मजा आएगा, वरना आपको यही लगेगा कि ये क्या पागलपन किया मैंने, मैं कहाँ फंस गया। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन की जाए। तो एक बड़ा ख्याल आता है मेरे एज अ गुजराती कि आपने जैसे बताया कि भाई हमारे बिल्कुल जो पैकेज थे उसमें बाइक्स के पार्ट्स थे और सिर्फ कपड़े ही थे, तो देर इज नो गाठिया, देर इज नो फाफड़ा, देर इज नो खाखरा, देर इज नो थेपला, देर इज नो अथाड़ा। नथिंग क्या बात है, मैं इमेजिन नहीं कर पाता, गुजराती बाहर नहीं कुछ निकले नहीं। और और थेपला पूरी अथाड़ा ये सब ना ले, हम पूरी मैं दुनिया में बताऊं मशहूर है आपको इसके बहुत बहुत दिलचस्प बात बताऊं। मैंने हिरेन काका और मैंने हम सिर्फ 2 साल से ही जुड़े हुए थे। तो हम लोग ऐसे लिए। इतना पुराने दोस्त नहीं थे लेकिन दोस्त बहुत अच्छे थे। लेकिन हमने उसके जाने से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, मोर देन 100 कह सकते हैं, टीवी ओहो रेडियो सब। ये 2 महीने में ये सब कुछ भी इतना ही किया। और हर जगह पे हमने बोला कि हम एक भी चीज खाने की लेके जाने वाले नहीं है। क्या बात तो कुछ भी नहीं लिया था। इवन मेरी बैग में तो मैं मेडिसिन भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं, नो मेडिसिन। ओहो क्योंकि ऐसा नहीं है मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन काका को भी मैंने बोला था और काका ने भी हमारे हमने पूरी ट्रिप में एक भी बार दवाई नहीं ली, एक भी बार नहीं। थोड़ा हिरेन भाई ने भी नहीं। क्योंकि नहीं, हिरेन भाई ने मेरी अब मुझे आपके हम बाद लोग उनका इंटरव्यू करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल इनका तो करना भी है। अभी ये तो परिक्रमा में 2 ढाई महीने के बाद आएंगे, अभी गंगा परिक्रमा में है। ओके तो वो ओके आए उसके बाद पक्का करना है और करना ही चाहिए। और दर्शकों को बताना चाहिए कि एट द एज ऑफ 64 आदमी क्या कर सकता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल राइट 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 सही बात है। तो आपने अच्छा, अब आप आपको मैं थोड़ा एक पुराने ख्यालों में ले जाने वाला सवाल पूछता हूं कि आपने इतनी सारी राइड्स की, वहां पे कुछ ऐसे वाकये हुए कि आपको लगा कि आज तो गए, आज तो नहीं बचेंगे, आज तो बस जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है, ऐसे कुछ वाकये हुए जहां पे ये लगा कि हाँ मरते मरते बचा? एक इंडिया का वाक्य बताऊंगा और एक इंटरनेशनल का बताता हूँ। बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल 2016 में जब हम लोगों ने स्पीति किया, अभी जैसे मैंने बताया, तो एक चंद्रताल करके जगह है, तो वो हाँ ट्रैक पे हम निकले। मेरे आगे मेरा एक दोस्त था, वो था, और उसके पीछे मैं था, और 2 जन मेरे आगे थे, मैं तीसरा था। तो चंद्रताल जाना था, वहां पे गाड़ी लेके लड़का बैठा था, तो उसको पूछा, हमको पता था ये रास्ता ठीक नहीं है, बिल्कुल तो फिर भी हमने पूछा भाई जा सकते हो? बोले जा सकते हो। तो हम तो निकल पड़े। और अभी भी मुझे याद है, वो जो मेरे आगे वाला लड़का था वो थोड़ा स्पीड में था, उसने एकदम से बाइक निकाल दी, दूसरे ने भी निकाल दी। अब तीसरा मैं गया था, मैं देखा था ये रास्ता तो बहुत खराब है। यानी मीन्स एक खाली टायर जितनी जगह थी, और नीचे पूरा टूटा हुआ था रोड। और अगर थोड़ा भी जैसे ब्रेक लगाया तो हम सीधा खाई में जाते, कोई हमको वापस भी लेने नहीं आने वाला था। ओह माय गॉड फिर भी मैं भी हिम्मत करके निकल गया। मैंने ये गया तो मेरे भी निकल जाएगा, तो मैं भी निकाल दी मेरी बाइक। अब तीसरा मेरे पीछे एक लड़का आ रहा था दोस्त, उसको मैंने तुरंत ही बाइक आगे रोके, बोला तुम मत आ मत आ। तो तब तक उसका एक टायर आ गया वो ट्रैक पे। अब उसको वहां से वापस ले जाना, इट वॉज इम्पॉसिबल। अब आगे भी नहीं आ सकता और पीछे भी नहीं आ सकता। लेकिन हम सबने मिलके, सारे राइडर्स इकट्ठे हो गए, उसको वही जैसे एक पोज मोड पे रख दिया। और कम से कम आधा पौना घंटा लगा, बहुत सोच समझ के धीरे धीरे करके निकाला। और हमारी बाइक को वापस निकाला तो वो तो उससे बड़ा तास था कि जहां से हाँ निकल गए, अभी तो पता चला कि ये रास्ता तो इतना खराब है, वो हम वापस आ गए। वो ट्रैक हमने किया नहीं, पर वो एक टाइम था कि जैसे हमारी धड़कन है 500 गुना ज्यादा,
बढ़ गई थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इमेजिन करते ही मेरे रुएं खड़े हो गए, मेरे जैसे रेशनलिस्ट को भगवान याद आ गए, तो आपकी हालत तो मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। और हाँ, इंटरनेशनल वाकया आप बताइए, क्या हुआ था वहां? इंटरनेशनल में ऐसा था, ये मैं बहुत बार मेरे इंटरव्यूज में सर, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है, ये मुझे याद आते हैं वो पल। कहते हम लोग चाइना में थे, और चाइना में क्या था कि हमारे चेकिंग बहुत करते थे ये लोग बार बार, जैसे हर 4-5 किलोमीटर सिटी में घुसे तो 4-5 किलोमीटर सब चेक करें, और हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता था। तो हमने सोचा गोबी डेजर्ट, आपने नाम सुना होगा, विश्व का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा के बाद में, तो अच्छा, वो गोबी डेजर्ट में एंटर होना था। तो हमने सोचा सुबह जल्दी निकल जाते तो पुलिस वाले कम परेशान करे। तो हम लोग सुबह जैसे अंधेरा ही था 5:30 बजे निकल गए, और जैसे चेक पोस्ट पे पहुंचे तो पुलिस वाले बंदे खड़े थे, बोले जाना है, हमारे पास इंटरप्रेटर था साथ में, तो बोला आप लोग नहीं जा सकते। तो अभी क्यों? तो बोले आगे बहुत बड़ा स्टॉर्म है। बोला अच्छा, कोई बात नहीं, स्टॉर्म है तो क्या हो गया, बोला स्टॉर्म देखेंगे, बोला ये ट्रक आ रही, ये गाड़ी आ रही, तो हम क्यों नहीं जा सकते, वही रास्ते से तो आ रही। बोले ये भारी है, ये आ सकती है, तुम्हारी बाइक वहां नहीं चलेगी, हमारी बाइक भी भारी है, फुल्ली लोडेड है, तू टेंशन मत ले, हमको जाने दे। तो बोला आपको जाना है तो अपने रिस्क पे जाओ, बोला हाँ हमारे रिस्क पे जाएंगे। और जैसे तैसे करके वो हमारे इंटरप्रेटर ने उससे परमिशन ली। अब जैसे हम लोग डेजर्ट में एंटर हुए, और वहां पे क्या पेट्रोल कैरी नहीं कर सकते चाइना में, और हमको पता अच्छा, था आगे यानी हमारी जो ये बाइक रूल है, थी, ये रूल हाँ है। रूल है रूल है, हाँ रूल है, चाइना में साथ में अपने पेट्रोल कैरी नहीं कर सकते। तो हमको पता था आगे, जैसे मेरी बाइक 180 किलोमीटर जितनी चले, काका की भी 180 जितनी चले, अगर आगे 160 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप था, ऐसा हमने सब चेक किया हुआ था। ओके, अब जैसे अंदर हम लोग घुसे तो हमारी बाइक आगे जाए नहीं, और पता नहीं चला क्यों ऐसा हो रहा था, बिल्कुल भी आगे ना जाए। इसमें थोड़ी देर के बाद तो एक बीएमडब्ल्यू, जो हमारे साथ बीजे जो दूसरे जो 4 राइडर्स थे, उसमें से एक जन की बीएमडब्ल्यू उछल के गिर गई बाजू के खड्डे में, और ओके, तब पता चला ये तो प्रेशर से बाइक आ गई, क्योंकि उसकी बीएमडब्ल्यू हमारे से तो 2-2.5 गुना ज्यादा भारी थी, और वो भी गिर गई, इतना ज्यादा प्रेशर था। अब जैसे 5 किलोमीटर काटने के लिए हमको लग गया आधा घंटा, पर हमारी बाइक अच्छा, आगे जाए नहीं। फिर देखा अभी तो ये कंट्रोल में रहे नहीं, वो वीडियो भी शायद मैंने फेसबुक पे शेयर किया हुआ ही है मेरे पेज पे, हमारी बाइक रोड पे लिटरली ऐसे घूम रही थी हवा के प्रेशर से। अब 250 किलो की बाइक जब घूम रही है, तो ये अपने 80-90 किलो का इंसान की क्या राइट, वैल्यू हो। और हमने बस सोच लिया कि ये अपना आखिरी टाइम है, पर भगवान की दया से वहां पे एक जैसे बड़ा सा टनल जैसा दिख गया, और सब हेलमेट पहन के चेन बना के हम लोग बैठ गए, और भगवान का नाम लेते, अभी ये आखिरी सांसें चल रही है, कि अभी जैसे ये टनल में हवा का प्रेशर आ गया तो हवा में उड़ना था, और अच्छा, ऊपर वाले ने बचा लिया। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जब हुआ ना, तो चाइना का जो बंदे ने हमको जैसे परमिशन दिया था, मना किया था, वही बंदे को जब हमारे इंटरप्रेटर ने फोन करके बताया कि ऐसा हुआ है, उसने पूरा हाईवे रोक के अपनी गाड़ी लेके आया और हमको वापस ले गया। उस दिन हम लोग वहीं पे रुके चाइना, जो जगह से स्टार्ट हुए थे, और दूसरे दिन गए, लेकिन वो आदमी हमको पूरा हाईवे रोक के लेने के लिए आया था। तो इंसानियत का ये बहुत बड़ा नमूना है। क्या बात है, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को आपके कुछ जो न्यूज़ है वो शेयर कर देता हूं, तो उनको भी पता चले कि ये अहमदाबाद मिरर में इनका न्यूज आया था, फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन बाय रोड, और एक और है ये फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन बाय रोड। और ये प्रकाश भाई का फोटो है। हाँ, प्रकाश भाई, तो एक्चुअली जब हम
एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि हमें स्कॉट वगैरह की जरूरत पड़ी थी, तो वो कैसे हुआ? यानी जनरली क्या होता है कि हम जब अब्रॉड जाते हैं तो हम अकेले होते हैं, यानी इंसान जाता है इंसान वापस आता है, लेकिन आप तो बाइक लेके जा रहे थे और अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे जहां की लैंग्वेज भी आपको पता नहीं थी, तो वो कैसे आपने सब अरेंज किया था? मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा, जैसे आपने बताया, एब्रोड हम जब भी जाते हैं तो कोई एक एयरपोर्ट में, जैसे स्विट्जरलैंड गए तो ज्यूरिख में उतरे और ज्यूरिख से वापस गए, ऐसा होता है मोस्टली। पर बिल्कुल हमारा तो ए से एंट्री होती है और बी से बाहर निकलना होता है। अब जब बिल्कुल हमारी ए से एंट्री होती है तो उसमें क्या होता है, हमारा खुद का वीजा वीजा तो होता ही है, लेकिन साथ में बाइक का कार्नेट होता है जो बाइक का एक पासपोर्ट बनता है। आपको अच्छा जैसे ही कोई जो जो भी कंट्री में आप एंटर होते हैं तो आपको उसके अंदर भी एंट्री करवानी पड़ती कि ये बाइक ये कंट्री के अंदर एंटर हुई और उसकी दूसरी दिशा से ये बाहर निकली। और ये जब दोनों होती है तभी जाके, अदरवाइज आप पे बहुत बड़ा, जैसे बहुत कानून कार्यवाही की जाती है आपके ऊपर। अगर आपका व्हीकल कोई कंट्री में घुसा और बाहर नहीं निकला देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अच्छा, ओके। तो इंसान का नहीं, बाइक का भी पासपोर्ट बनता है। यस, इसको कार्नेट ओके कहते हैं, कार्नेट। ओके ओके, सही बात है। अच्छा, आपने अभी ये वाकया शेयर किया था कि आप जब चाइना में थे, एक जगह पे फंस गए, फिर पुलिस वालों ने आके आपको हेल्प किया। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने तकरीबन, आई थिंक, बीच में कितने कंट्री आए थे आप? जब इंडिया से लंदन तक गए तो कितने कंट्रीज आए थे? मैंने टोटल 17 कंट्रीज, जैसे मैं आपको पूरा रूट भी बता दूं अच्छा रहेगा। हम लोग हाँ इंडिया बिल्कुल से जैसे अहमदाबाद से निकले तो ये कोटा, कानपुर, बेगूसराय, अलीपुर, गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी हम सारे राइडर्स मिले और वहां से मणिपुर होके, इम्फाल होके हम म्यांमार बॉर्डर पे पहुंचे। फिर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, फिर चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूरोप एंड लास्ट में पेरिस से लंदन। सिर्फ 40 किलोमीटर बाइक हमारी, हमने वो फेरी में रखा, बाकी टोटल 22,600 किलोमीटर हमने बाइक चलाई हुई है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपने काफी अलग अलग कंट्रीज में एंट्री की, एग्जिट भी की, आप काफी लोगों से भी मिले होंगे, अनजाने लोगों से। तो यस, आपको अच्छे और बुरे किस तरह के एक्सपीरियंस हुए? आप दोनों तरह के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, एक सबसे बुरा, सबसे अच्छा। सच में कहूं तो सबसे बुरा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। क्या सब बात है, अच्छे अच्छे बहुत लकी एक्सपीरियंस, है आप, सब बहुत सब लकी। सब अच्छे एक्सपीरियंस, क्योंकि जिसे बुरा मानते हैं ना उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही छुपी होती है। क्योंकि बुरा ही उसे कहते हैं जहां पर फुल स्टॉप लग जाए। हमारा कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगा है, हम यही राइट बाइक लेके पूरा लंदन तक पहुंचे। तो कहीं पे भी हमको तकलीफ पड़ी है, नो डाउट, बहुत सारी तकलीफ पड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हर तकलीफ से बाहर निकले। और जैसे अच्छे की बात कहूं तो वहां के लोग, पूरी दुनिया में, विश्व में हमने इतने अच्छे लोग पाए, इतने अच्छे लोग पाए कि जिस जो मेरे को, जैसे ये लंदन राइड में मैंने सबसे बढ़िया चीज देखी तो यही चीज देखी कि इंसानियत इंसान में होती है, धर्म में होती है। धर्म चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म हो। और मैं आपको बताता हूं, मुझे बहुत जैसे अच्छा लग रहा है कि ये जो हमने पूरा ये ट्रिप किया है उसमें मैक्सिमम लोग हमको मुसलमान लोग मिले, एंड दे अच्छा आर इतना इतने अच्छे लोग हैं। मैं किर्गिस्तान में रात को, हम लोग फंस गए थे, मेरी का बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, जैसे किर्गिस्तान एंटर किया तो काका की बाइक में भी खत्म हो गया। हमको जो -12 डिग्री जितना टेम्परेचर था, ठंडी थी, बारिश थी, हम भीग चुके थे, पूरे आतंकवादी जैसे हम लग रहे थे। अच्छा और रात को, सर आप बिलीव नहीं करो, रात को 1 बजे दरवाजा खटखटाया और एक मैडम ने अपने घर में रखा और उसने हमको खाना वाना खिलाया, रात को क्या बात है, सोने की व्यवस्था की और सुबह उठ के पैसे लेने के भी मना कर दिया। तो ये कोई कास्ट की बात नहीं है, इंसानियत इंसानियत रहती है। और हर जगह पे हमको यही अनुभव हुआ है, हमको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास। जैसे हमने कहीं पे भी बाइक रिपेयर किया है तो वो लोगों ने, जैसे संडे के लिए, हमेशा ऐसा होता है बड़ी बड़ी जो हम कंट्रीज में एंटर हुए जब भी, तो सैटरडे संडे ही आया हुआ है और उस टाइम पे वो शोरूम सारे बंद होते हैं, कुछ भी कोई मैनेजमेंट होना बहुत मुश्किल। लेकिन हमारी बैकअप टीम, जो मेरे दोस्त थे अहमदाबाद में, वो सारे लगे हुए थे हमारे पीछे, राइडर्स को ढूंढते थे ये। और
हर लोगों ने हेल्प की और किसी ने पैसा नहीं लिया। जैसे ऐसा नहीं है कि पैसों की जरूरत नहीं होती इन लोगों की, लेकिन ऊपर वाले हजारात का, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब अच्छा अच्छा ही हुआ है, सब अच्छे लोग मिले। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोगों से भरी पड़ी हुई है, और ट्रैवलिंग कीजिए और मिलिए, ये रोड पे ही मिलेंगे आपको, जैसे कोई होटल में और उसमें नहीं मिलने को मिलेगा, इसके लिए राइट रोड पे निकलना राइट पड़ता है। राइट, सही बात है। और हम भी अपनी चैनल में यही बात प्रचारित करते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत ही है। सारे यस, धर्म के डॉगमा को छोड़िए और इंसान बनिए, हाँ, और यही बस सबसे बड़ी बस, चीज है। क्योंकि यस, धर्म तो हम जब पैदा होते हैं तब मिलते हैं, पर हम इंसान हाँ, बन के पैदा होते हैं, वो हमारी हाँ, जन्मजात धरोहर है। तो इंसानियत ही सबसे बड़ा गुण है, और आपको अच्छा हुआ कि कदम कदम पे हर जगह पे इंसान इंसानियत के दर्शन हुए। अच्छा, यस, अब सबसे दिलचस्प चीज पे आते हैं कि आपने जब लैंडमार्क अचीव किया, लंदन में जोर शोर से एंट्री की, उसके बाद क्या हुआ? मैं सच में कहूँ तो मुझे आज, मैं पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ, इतना एक दुखद घटना हुई। जैसे दुख की बात करें तो मैं, मेरा ड्रीम प्लेस था, जब बाइक चलाता था सब कहते अगर एस काफे लंदन नहीं गए तो क्या किया, और मेरे अच्छा, लिए ये ड्रीम था एस काफे लंदन पे मेरी बाइक रुकेगी, दूसरे कंट्री अरे में जाके, वाह, वहां जाके लंदन में, जैसे यूके में एंट्री किया और 360 किलोमीटर जितना एस काफे लंदन दूर था, और वहां पे भी मार्क मार्क विल्समोर जो उसका ऑनर है, मेरे दोस्तों ने उनको बता के रखा था, और उन्होंने बहुत जैसे बढ़िया सा वेलकम भी किया। क्या जब मैं बात वहां है। पहुंचा तो मैं पूरा ब्लैंक हो चुका था, मैं जैसे इतनी खुशी मेरे को आज तक कभी नहीं हुई, मुझे मेरे मानने में नहीं आ रहा था कि मैं खुद प्रकाश पटेल हूं, ये मेरी बाइक है, और हम ये अभी एस काफे लंदन पे बाइक लेके खड़े, इतने सारे लोग मिल रहे, अलग अलग कंट्री से वहां पे बाइकर्स आते, उनको मिल रहा, लेकिन ये जैसे फ्लो में जी रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पास एस काफे लंदन का कोई स्टिकर तक नहीं है, मैंने कुछ वहां से खरीदी ना कुछ नहीं, बस एक एक जैसे बोले ना स्वप्नों में जी के वापस आए, ऐसा अभी भी मुझे ऐसा फील आ रहा है। वाह। तो ये अभी सही मुझे ये है। चीज का दुख, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है एस काफे लंदन का मेरे पास एक मग भी नहीं है, एक स्टिकर नहीं है, किचन नहीं है, कुछ है, मेरे को वापस जाना पड़ेगा मुझे लगता है ये लेने के लिए। हाँ, कोई मोमेंटो तो चाहिए था, एक बोलता है ना कि हाँ नहीं, याद। याद में फोटोग्राफ्स है मेरे पास, लेकिन मैंने, मेरे को वहां से अंदर जाके बैठना था, मुझे कॉफी पीना था, और जैसे कुछ चीजें खरीदनी थी, ऐसा सब मैंने ड्रीम करके रखा, लेकिन मैं जैसे अपने बस में नहीं था उस टाइम पे, इतना हाँ, खुश था। इमोशन इमोशन इतने हावी हो गए थे यस कि वो सब या दिमाग में से ही चला गया। हाँ राइट राइट राइट। पर ये होता है जब हम कोई ख्वाब देखते हैं सालों तक, और जब वो साकार हो जाता है, जब वो हकीकत बन के सामने आ जाता है, तो आदमी इतना इमोशनल हो जाता है कि ब्लैंक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, अब इस बार आपने अनोखा किया कि फादर्स डे पे आपने एक अनोखी बात सोची कि मैं अपनी बेटी को एक बिल्कुल ऐसी गिफ्ट देता हूं जो आज तक किसी फादर ने कोई बेटी को न दी होगी। वो गिफ्ट क्या थी? सर, इसमें भी स्टोरी थोड़ी अलग है। ये जो मेरी अच्छा। लड़की प्रियल है, बड़ी वाली लड़की, उसकी शादी होने वाली है नेक्स्ट ईयर, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाली है, तो अच्छा, बिल्कुल आपको पता है लड़कियों का प्यार क्या होता है, तो जैसे राइट। बस वो जब से पैदा हुई है तब से आज तक उसको सोते हुए देखता हूँ, इतना इमोशन आ जाते हैं, और मैंने पहले से सोचा था मेरी लड़की को कुछ ऐसा दूंगा थोड़ा हटके, और जैसे चीजें तो सब कोई देते हैं मैं भी दूंगा, लेकिन मेरे को ऐसा देना था जो मेरे खुद का हो, राइट। और मेरे खुद का एक ही चीज है, कल थी आज है और परसों भी वही रहेगी, टाइम। टाइम मेरा है, और मैं उसको टाइम देना चाहता था, और मैंने उसको प्रिपेयर किया, और हम दोनों ले राइड किया, हम दोनों ने लद्दाख राइड की। क्या बात है, क्या बात। और प्रकाश भाई की ये राइड को काफी न्यूज़पेपर ने भी कवर किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए,
शादी के बाद विदेश जा रही बेटी के संग 15 दिन तक बाइक राइड पर निकले पिता। बोले, जिंदगी के सफर में ये यादगार सब समय ही अहम। और ये गुजराती न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई थी, तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था इनका। तो सच में ये तो 15 दिन बहुत ही यादगार लम्हे रहे होंगे आप दोनों बाप बेटियों के बेटी के बीच में। यस यस सर, 24 आवर्स जैसे मैक्सिमम 1 फीट के अंतर पे हम दोनों साथ में, हाँ इतना टाइम घर पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलता। इसके लिए कहीं बाहर ही जाना रहता है और सिर्फ दो जने को ही जाना रहता है, अदरवाइज अपना बिल्कुल फोकस चेंज हो जाता है। राइट राइट राइट, सही बात है। अच्छा सर, आपकी ये बातों से प्रेरणा लेके हमारे दर्शक में से कोई ऐसी टूर करना चाहे और उसके लिए उसको गाइडेंस, मार्गदर्शन और क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में जानना है, तो आप क्या हेल्प करेंगे उनकी? 110% मैं आपको बताऊं, जब मैं 2018 में किया, 2019 में मैंने एक कार 10 कार यहाँ से लंदन तक गई और वापस भी आई, और हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन साथ में किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितने भी लोग अगर उनके ट्रैवलिंग का कहीं ना कहीं 1% भी मैं हिस्सा हूँ, मेरे हिसाब से कुछ हो रहा है, तो मुझे बहुत ही आनंद होगा, बहुत ही खुशी होगी। तो कभी भी किसी को भी जरूरत है, मेरा नंबर भी मैं अभी बोल रहा हूँ, 9974007125। कभी भी व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं हमेशा रेडी हूँ आपको कुछ भी गाइडेंस के लिए, एनी टाइम। ओके ओके, मैं भी आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कोई किसी बंदे को आपका कांटेक्ट करना है तो वो आसानी से कर श्योर सर, पाए। और मैं इनका फेसबुक पेज भी आपको दिखा देता हूँ, जो इन्होंने लंदन तक राइड की थी उसका फेसबुक पेज भी इन्होंने बनाया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इनका फेसबुक पेज है, तो आप इसमें देखिए 1.2K फॉलोवर्स है। इसमें आपको ट्रिप की सारी जानकारी, उसके फोटोज वगैरह सब मिल जाएगा, तो उसमें वीडियोस भी है, तो आप पूरा पेज देखिए, उसको लाइक भी कीजिए, उसको फॉलो भी कीजिए। और यहाँ पे व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं प्रकाश जी का, तो ये बढ़िया फीचर इन्होंने इन्होंने दिया है इसमें। हाँ जी सर, तो बस बातें करते करते 1 घंटा बीतने को आया, बहुत मजा आया और सच में मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ आपकी ये बातें सुन के, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत एडवेंचर रहा आपकी जिंदगी का और एक लैंडमार्क अचीवमेंट रहा। अच्छा, फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? अभी ये बाइक बस रुकेगी तो अभी नहीं मुझे लगता है। पक्का पक्का, अभी बस निकलने के लिए रेडी हो रही है वापस। अभी मेरी छोटी डॉटर के साथ मैं प्लान कर रहा हूँ, और 99% दिवाली में कुछ करूंगा। अच्छा, तो आपकी पूरी बाइकर फैमिली है क्या? सारे लोग हाँ, राइड करते? मेरी यस मेरी वाइफ और मेरी छोटी डॉटर, वो दोनों इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। क्या मेरी बात वाइफ है, ने हाँ एक मेरी वाइफ ने एक्टिवा पे अहमदाबाद टू खारडुंगला किया हुआ है, एक्टिवा लेके। बढ़िया और बढ़िया मेरी बढ़िया। डॉटर, जब छोटी डॉटर जो निकिता पटेल है, वो 18 साल की उम्र में जब लाइसेंस आया तो यंगेस्ट राइडर एट खारडुंगला, उसमें निकिता का नाम है इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया अचीवमेंट है में। पूरी फैमिली का, और पूरी फैमिली का एक ही पैशन हो, एक ही शौक हो, तो बहुत ही मजा आता है, क्योंकि काफी बातें शेयर होती है और जनरल इंटरेस्ट एक ही जगह पे हो तो फैमिली बॉन्डेज भी बहुत बढ़िया बनता है। तो आपकी ये सच में खुशनसीबी है कि आपने पूरी फैमिली को इस तरह से गढ़ा है, इस तरह से मॉडिफाई किया है कि सब लोगों के एक ही तरह के पैशन है, तो सच में आप सच में खुश नसीब हो। सर, अब हम अपनी चर्चा का यहाँ पे समापन करने से पहले मैं आपको एक इंस्पिरेशन चीज पूछना चाहता हूं कि आप
हमारे दर्शकों को, खास करके हमारे युवा दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी ड्रीम देखो, देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके पीछे इतना ही लगे रहो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, सारी दुनिया जानती है कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बट बी डिसिप्लिन सबसे पहले। एक लाइन मैंने ये मेरी लंदन राइड में लिखी थी कि देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एडवेंचर एंड डिजास्टर, राइट? तो आप कुछ भी एडवेंचर करते हो, डिजास्टर पे नहीं ये जाना बीच है, में, तो सॉरी एडवेंचर करना सर, है। बीच में वो थोड़ा कट गया था, आप फिर से बोलिए, वो लाइन क्या थी? ड्यूरिंग द माई सॉरी मेरा ये लंदन राइड जब मैंने किया था, तो मैंने एक लाइन लिखी थी, जब हम चाइना का मैंने जो स्टोरी शेयर की आपसे उस टाइम पे ही लिखी थी कि देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एडवेंचर एंड डिजास्टर। तो सही बात है, सही बात है, सही बात है। हमको रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेल प्लान रिस्क। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं जिसको। हाँ, यस 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 बोल। यस ओके सर, सर आपसे बातें करके बहुत ही मजा आया, और पूरी ये हमारी कन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्रेरणादायी भी रही, और यही इस चैनल का मकसद है, लोगों को कुछ हटके सोचने के लिए प्रेरित करना, उनको प्रेरणा देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, जब आप अपनी नेक्स्ट राइड खत्म करोगे तब आपका फिर से इंटरव्यू लूंगा। डन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।